स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे प्रोमिनेंट टॉपिक जो आपके एसकेटी में सिलेबस में शामिल है उसके एमसीक्यूज आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है ना, स्टोरिंग जो होता है वो प्रोडक्शन का पार्ट होता है, इसी में आपका पैकेजिंग, स्टोर सिक्योरिटी, मटेरियल हैंडलिंग, वो सारी चीजें इसी में कवर होती है। तो इसका एक्चुअल जो हेड है वो है प्रोडक्शन, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बहुत सारे करवाने की सोच रही हूँ। आज की सीरीज में मैं वही शुरू कर रही हूँ, ठीक है, शुरू करें, क्योंकि ये पेपर का पैटर्न हमें पता नहीं है और कुछ नहीं आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन बैठेंगे, तो वी कांट टेक अ रिस्क, हम कोई जोखिम नहीं ले सकते, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि किस तरह से प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट या स्टोर मैनेजमेंट में कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देते हैं कि अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी जब एक मटेरियल से हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो एक लेवल से दूसरे लेवल में वो मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एट एवरी नेक्स्ट लेवल सम डैश इज एडेड, यानी हर एक लेवल से दूसरे लेवल से तक जाने के लिए उसमें कोई चीज ऐड हो जाती है। आप मुझे बता सकते हो क्या ऐड हो जाती है? मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन, क्या आपको बिल्कुल भी आइडिया है कि जब हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक यानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब उस रॉ मटेरियल को मूव करते हैं, प्रोसीजर में डालते हैं, तो व्हाट इज एडेड, उसमें क्या चीज ऐड होती है? सोचो, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अप्लाइड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या चीज ऐड होती है? याद रखो, ऑप्शन है आपके पास में, इनकम ऐड होती है, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस ऐड होता है, या वैल्यू ऐड होती है। वैल्यू ऐड होती है, हर एक चीज की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप एक मिनट के लिए ये सोचो, एक टिम्बर है, लकड़ी का लॉग है या टिम्बर है, उससे हम फर्नीचर बना रहे हैं। अब जब टिम्बर से फर्नीचर बना होगा तो बहुत सारे स्टेप्स के जरिए वो टिम्बर गुजरा होगा एंड एंड रिजल्ट हमें वो फर्नीचर फॉर्म में मिला होगा, तो हर लेवल में उसमें वैल्यू एडिशन होती गई और एंड ऑफ द रिजल्ट व्हाट वी गेट अ चेयर और अ टेबल, राइट। तो टिम्बर फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर को अब आप टिम्बर नहीं कहोगे, तो ये जो आपने फर्नीचर को फर्नीचर और टिम्बर को टिम्बर ही कहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, अरे मेरी बात समझो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसीजर में एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पे क्या चीज ऐड होगी, वैल्यू ऐड। एक क्वेश्चन है, क्या चीज ऑब्जेक्टिव होती है, क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में? राइट पर्सन को चूज करना, राइट कॉस्ट पर चीज को बनाना, राइट क्वांटिटी में चीज को बनाना, या कंटिन्यूअस प्रोसेस? अब आप सोच के देखो कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या चीज इसका ऑब्जेक्ट होता है, मेन लक्ष्य क्या होता है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, सही व्यक्ति को चुनना या कॉस्ट को कंट्रोल करना? एक्चुअली प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सही रूप से मानेंगे तो जो अल्टीमेट एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट होता है, दैट इज द क्वांटिटी, क्वालिटी। हमें बेस्ट क्वालिटी में काम करना चाहिए ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर सके। अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी होगी अगर प्रोडक्ट में, तो आज नहीं तो कल कस्टमर विल एक्सेप्ट, और एट एनी कॉस्ट, हर कॉस्ट पे वो चीज को एक्सेप्ट करेगा अगर क्वालिटी हुई तो राइट क्वालिटी इज द मेन एम, राइट। अब एक क्वेश्चन है, क्या चीज जिम्मेदार होती है हर तरह की एक्टिविटीज के लिए? अगर हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें प्रोडक्शन की, तो क्या चीज जिम्मेदार होती है, किस चीज को हम जिम्मेदार मान सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में? ऑप्शन है प्रोडक्शन पर्सन, प्रोडक्शन वर्कर, प्रोडक्शन पर्सोनल और प्रोडक्शन मैनेजर। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर को इम्पोर्टेंट मानोगे या प्रोडक्शन पर्सनल पर्सन जो होते हैं उनको, प्रोडक्शन वर्कर को इम्पोर्टेंट मानोगे या उनके पर्सोनल्स को? कई चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होगा, कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, तो जो मैनेजर होगा जैसे वो काम
लोगों से लेगा, जैसे वो काम को आगे कंप्लीट करवाएगा, टोटली डिपेंड्स ऑन हिज और हर क्वालिटी ऑफ द वर्क। वो अपने काम को किस तरह से समझता है, वो काम के लिए क्वालिटी काम किसको कहता है, ये उसकी समझ पर निर्भर करेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज होती है जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो। तो प्रोडक्शन मैनेजर इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छी क्वालिटी चीज बनेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजर। उसका क्रेडिट भी मैनेजर को मिलेगा, राइट। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर हम उत्पादन क्रियाविधि की या गतिविधियों की बात करें तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है? पैसा, ऑप्शन है आपके पास में, पैसा, मैन पावर यानी जो मानव शक्ति है वो, टाइम या कस्टमर। अब ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इन चीजों को समझना। टाइम कहने को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मनी भी इंपॉर्टेंट होती है, पर आप मनी को लोन ले सकते हो, किसी से ऋण ले सकते हो, आपकी खुद की भी हो सकती है। टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइज भी कर सकते हो। राइट टाइमिंग हालांकि माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैन पावर, आपके लोगों की शक्ति, आपकी व्यक्तियों की शक्ति, वर्कर की, मैनेजर की और सब लोगों की शक्ति, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मैन पावर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो कौन सी क्वालिटी बहुत बेहतरीन रूप से उसे काउंट किया जाता है? क्या उसकी क्विकनेस को, उसकी जो फुर्तीलापन होता है उसको, या उसकी सिंपथी को, वो सहानुभूति रखता है हर चीज से उसको, टाइमलीनेस को, वो किसी काम को सही समय पर करता है उसको, या इंटीग्रेटेड, या उसका एकीकरण, हर चीज का जो एकीकरण होता है वो, क्या चीज काउंट होती है? तो देखो, चीज को समझना भी इम्पॉर्टेंट है, चीज को टाइमली काम करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्विकली करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना उसका बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी हर चीज पर उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो किसी विशेष स्पेसिफिक क्वालिटी वर्क या स्पेसिफिक साइज या स्पेसिफिक प्राइस या स्पेसिफिक एबिलिटी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोडक्ट के? तो आप ध्यान रखना, अभी बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम होता है उसका होता है क्वालिटी वर्क करना, तो क्वालिटी के लिए हमेशा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है, एक और क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा वेस्टेज पर क्या करना चाहिए? वेस्टेज बर्बादी जो है किसी भी वर्किंग स्टेशन पर, जो आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहां पे बर्बादी को क्या करना चाहिए? एक मैनेजर को नोटिस करना चाहिए, या चॉइस करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, या प्लान करना चाहिए? मेरे बताने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि वेस्टेज को कंट्रोल यानी नियंत्रित किया जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपको अगर दिख गया है कि ये बर्बादी हो रही है तो फिर इसका मतलब अब इसे रोकना जरूरी है ना। एक पॉइंट होता है आपको नहीं पता है कि चीज बर्बाद हो रही है, अब अगर ये पता चल गया है कि चीज बर्बाद हो रही है तो इट इज फर्स्ट चॉइस कि आपको उसे रोकना कैसे, इस पे दिमाग लगाइए, ठीक है। आगे अब एक क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोडक्शन सिस्टम का एक टाइप है? अब आपको प्रोडक्शन सिस्टम पता भी तो होने चाहिए ना, बहुत तरह के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, कई बार चीजें एक एक करके बनाई जाती है और कई बार चीजें हजारों की संख्या में एक साथ बनाई जाती है, और कई बार चीजें थोड़े थोड़े वर्क स्टेशन पे अलग अलग बनाई जाती है और उसके बाद उन्हें असेंबल किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमेशा अगर एक ट्रक की बात करूं तो एक ही वर्क स्टेशन पे पूरा ट्रक बनके नहीं तैयार होगा, उसका चेसिस कहीं और बनता है, उसकी बॉडी कहीं और बनती है, उसका इंजन कहीं और बनता है, उसके बाद उन सब चीजों की असेंबलिंग होती है और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी दूसरी काम होते हैं कैनवास वगैरह के वो सब काम होते हैं, राइट। तो टायर उसके कहीं और बने होंगे, इंजन, चेसिस, उसका बॉडी, वो सारी चीजें अलग अलग बन करके असेंबल अलग जगह हुआ होगा। तो अलग अलग तरह का प्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो प्रोडक्शन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन फ्लो भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, असेंबली लाइंस भी हो सकता है, और पीरियोडिकल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखो, सबसे एक्चुअली जो प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप्स की बात करेंगे तो केवल एक ही है इसमें जो उसके प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप्स में से आता है, दैट इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम इसका सही आंसर है।
ठीक है। अब एक बात करते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो उसकी फंक्शनैलिटी यानी वो कैसे काम करता है वो, या उसकी साइज, या उसकी प्राइस, या उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी। आप याद रखो एक्चुअली वो काम कैसा करेगा, अगर वो बेहतरीन काम करेगा तो हम एक हाई प्राइस भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज है उसकी फंक्शनैलिटी यानी उसका कार्य क्षमता, वो कैसे काम करेगा, तो इसका सही आंसर है फंक्शनैलिटी। अब एक क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्शन डिजाइन शुड बी एज पर द कस्टमर्स डैश। किसी भी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है वो अपने कस्टमर की किस चीज पर आधारित होना चाहिए, कस्टमर के प्राइस पर आधारित होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट पर आधारित होना चाहिए, या उसकी डिजायर पर आधारित होना चाहिए, या क्वालिटी पर आधारित होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है, डिजायर और रिक्वायरमेंट। डिजायर और रिक्वायरमेंट में अगर अंतर नहीं पता होगा तो आप इसके आंसर में गड़बड़ कर जाओ, क्योंकि आपको ये तो पता है कि क्वालिटी और प्राइस तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर या तो रिक्वायरमेंट होगा या फिर उसकी विशेष, या जिसको डिजायर कह रहे हैं वो होगा। सही आंसर है इसका रिक्वायरमेंट। उसकी जरूरतों के मुताबिक अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो डिजाइन बेस्ट डिजाइन कहा जाता है। अगर उसकी जरूरतों के हिसाब से नहीं है तो वो गड़बड़ होगा। और बात रही अगर इच्छाओं की बात करेंगे तो बच्चों इच्छाओं का मामला ऐसा होता है, रिक्वायरमेंट तो हम आपस में बताते हैं पर इच्छाएं अनलिमिटेड है। आज मैं अकेली एक व्यक्ति की भी अगर बात करूँ ना, तो एज पर द टाइम एंड सिचुएशन ऑल द डिजायर्स आर चेंजेबल। ये बदल रही है, मुझे कभी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे किसी और चीज की भी तमन्ना है, ये इच्छाएं बहुत तेजी से बदलती है, मन चंचल है हमारा। और रिक्वायरमेंट, मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ भी आप दे दो, रोटी दे दो, आप सूखी रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, दलिया दे दो, खिचड़ी दे दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख उन चीजों से मिट जाएगी, कुछ भी दोगे मैं चलेगा। लेकिन डिजायर में मुझे बर्गर ही खाने की भूख लगी है, आप समझ लो। तो आपको भूख लगी है इसलिए आपको खाना चाहिए, या आपको भूख लगी है इसलिए आपको बर्गर चाहिए, दो अलग अलग चीजें। तो अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट पूरी करता होगा तब उसको बेस्ट कहा जाएगा, बजाय कि उनकी डिजायर्स को पूरा करना। क्योंकि एक ही व्यक्ति को कभी बर्गर खाना होता है और कभी वो खिचड़ी से भी संतुष्ट हो जाता है अगर वो बीमार है। तो हम डिजायर पे नहीं जा सकते, रिक्वायरमेंट इज द बेस्ट चॉइस, राइट। आपको इनकी डिटेल समझ में आना चाहिए और ये मेरे वीडियो से ही आपको समझ में आएगा। मैं आपको हालांकि इसकी वर्ड फाइल भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब तक आप इसकी चीजों को सुन करके समझेंगे नहीं ना, तब तक वो वर्ड फाइल से आपको वो लर्न नहीं होगा, सिर्फ वो आप रटोगे। और वीडियो में अगर आपने मेरे इस एक्सप्लेनेशन को समझ लिया तो इट इज वेरी इजी टू रिटेन, आपको ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात कि प्रोडक्शन डिजाइन में सबसे ज्यादा फैक्टर जो अफेक्ट डालता है वो क्या होता है, क्या होता है, कस्टमर और उसका प्राइस, या कस्टमर और प्रोडक्शन, या कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, या क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो प्रोडक्शन डिजाइन में, प्रोडक्शन डिजाइन की बात कह रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइन में आपका कस्टमर और उसकी पेइंग कैपेसिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर मैं इंडिया में जो चीज आराम से 2,000 रुपए में बिक जाएगी या लोग बेच रहे हैं, अगर मैं उसी चीज को हाई क्वालिटी में बना करके और 2,00,000 की मार्केट में लेके आऊं तो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने की 2,00,000 रुपए नहीं है। 2,000 है या नहीं है, पर मुझे ये बात समझना पड़ेगा कि 2,00,000 नहीं है। तो मुझे उनकी पेइंग कैपेसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, जो सोशल क्लास होती है जिसको अपन ने फाइनेंशियल क्लास भी कहते हैं, वो पहले तो केवल 3 तरह की हुआ करती थी, पर अब इस जमाने में वो 5 तरह की होती है। पहले होती थी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, अब होती है अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मतलब मिडिल के भी अपर और लोअर 2 सेक्शन और बन गए हैं। हम कहते हैं अपर मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मतलब हम अपर क्लास तो नहीं पर अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्गीय है, समझ रहे मेरी बात। तो ये दिमाग में रखता है एक प्रोडक्शन डिजाइनर, और इसी बात को दिमाग में रख के कि कस्टमर का उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या होगी, उसकी प्राइसिंग को कितना वो बियर कर सकता है, उसको ध्यान में रखकर ही एक डिजाइन को वो ओके कहता है, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं, अगर किसी संस्था के प्रोडक्शन पॉलिसी की बात करेंगे तो कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या कौन सा एक हिस्सा है उसका, तो प्रोडक्शन का मॉडिफिकेशन, या उसकी क्वालिटी, या उसकी क्वांटिटी, या उसका डेवलपमेंट। तो एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका मॉडिफिकेशन,
कितने टाइम में अपने प्रोडक्ट में एक मॉडिफिकेशन लेके आते हो, आधुनिकीकरण लेके आते हो। अगर आप आधुनिकीकरण हर एक साल से लेके आते हो तो कस्टमर को उसमें एक नया बदलाव, एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर उसको मिलता है तो उससे उसको स्टिक रहेगा, वो उससे जुड़ा रहेगा। और अगर आपने एक ही तरह के प्रोडक्ट को हमेशा लेके आएंगे तो वो हो सकता है उस चीज के बजाय किसी दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये होता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। एंड एक अच्छा समझदार जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन पे फोकस करता है, वो नए नए आइडियाज लेकर आना चाहता है ताकि हर एक नई जरूरत को वो अपने प्रोडक्ट के जरिए अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है व्हाट इज कंसर्न विद डेवलपिंग स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन फॉर प्रोडक्शन सिस्टम। किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या एक स्पेसिफिक कोर्स होता है जो उससे संबंधित है? प्रोडक्शन का प्लांट, उसकी प्लानिंग, उसका टाइम या उसकी सिस्टम? प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो? इसको हम PPC भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कहते हैं इसको। अगर एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रहा है तो उसे प्लानिंग भी करना होता है और उसे कंट्रोल भी करना होता है। तो हमेशा प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके किसी भी स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। विच क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजर अलाउज हिम टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। क्या चीज ऐसी होती है जो बदलती हुई परिस्थितियों में एक प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है? वो उसकी क्या खासियत होती है? इंटेलिजेंसी होती है उसकी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी, सिंपथी होती है उसकी, या इमेजिनेशन होती है उसकी? एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी। वो कितना अपने आप में बदलाव रखने की क्षमता रखता है, यही उसकी शो करती है, ये ट्रेड उसका ये शो करता है कि चेंजिंग सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे मोल्ड करेगा। अभी कोविड की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से कई लोगों ने अपने वर्किंग स्टाइल में बदलाव किया है, हमारी लाइफ स्टाइल बदली है। क्यों बदली? क्योंकि हमें बदलना पड़ा। अब चाहे समय कह लो, चाहे जरूरत कह लो, कुछ भी कह लो, इसी जगह कारण है। और जिन लोगों ने बदल लिया, जिन लोगों ने सावधानी ले ली, वो लोग सर्वाइव कर गए, और जो लोग नहीं कर पाए वो थोड़ा मुश्किल में आ गए। तो रिस्क फैक्टर हमेशा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जुड़ा होता है। इफ यू आर फ्लेक्सिबल, रिस्क फैक्टर विल बी मिनिमाइज, राइट? अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। कहा जाता है कि प्रोडक्शन मैनेजर शुड बी अ डैश पर्सन। प्रोडक्शन मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है विच विल एनेबल हिम टू डू वेरियस इनोवेटिव फंक्शंस इन अ वेल प्लान्ड मैनर। कि जितने भी नए नए तरीके के वो प्रयोग करता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करता है। ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्यों? क्योंकि वो इस तरह का व्यक्ति होता है। किस तरह का? ऑप्शन सुनो। वो बहुत ही एंथुसियाज्म होता है, एंथुसियास्टिक होता है, यानी उत्साही होता है, जोशीला होता है। वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, हर काम में उसका रुचि होती है। वो बहुत ही सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी वो अपने ऊपर कंट्रोल करने वाला होता है। और एक वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है, यानी वो बहुत ही लोचशील होता है। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति किसी भी नए आइडिया को अप्लाई करने में केवल तभी सफल होगा जब वो खुद उसमें बहुत जोश होगा। अगर हम किसी भी एक छोटी सी बात को भी उसमें एक नया नज़र से देखेंगे ना, तभी हम उसमें कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें लगेगा इसमें क्या बात है, तो इसका मतलब हम कोई नया नज़रिया उसके लिए रखते ही नहीं हैं। तो इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द एंथुसियाज्म, उसके जोश से रिलेट होता है कि वो व्यक्ति कितना इनोवेटिव होगा। जितने लोग जोशीले होंगे उतने ही उनके पास नए आइडियाज होंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितने लोगों के पास नए नए आइडियाज आते हैं वो बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही जोशीले होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ अलग तरह के आज MCQs किए हैं, और इसी तरह के MCQs मैं आपको करवाने वाली हूँ। आपको मैं राइटिंग में वर्ड की फाइल जरूर दूंगी, लेकिन मुझे उसको बनाने में अभी थोड़ा टाइम लगता है, राइट? तो अभी आप एक बार वीडियोस के जरिए अपना नोट्स तैयार करो ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई बीच में रुकावट ना आए। बाकी टाइम टाइम पे मैं आपको ये चीजें देती रहूं। अभी तक दी भी है और आगे भी दूंगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।